स्टार प्लस के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये है मोहब्बतें, कि आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स देखेंगे एक नया ट्विस्ट। जहां पर आदित्य को कर लिया गया है अरेस्ट, वो भी आलिया के ऊपर हाथ उठाने की वजह से। क्या है ये पूरा माजरा, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आदित्य आलिया के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जिसके बाद आलिया गुस्से में आकर मनी के घर जा पहुंचती है। अब इसके बाद आदित्य उनके पीछे दिल्ली जा पहुंचते हैं और वो आलिया से सारी चीजें सुलझाने की बात करते हैं, जिसके बाद ही इशिता मनी को कॉल करती है और वो उनसे कहती है कि जो भी हुआ है वो सब एक गलती की वजह से हुआ है और उन्हें ये सब भुलाकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन तभी शगुन इशिता से कहती है कि उसे आलिया और आदित्य के बीच के झगड़े से दूर रहना चाहिए। लेकिन इशिता ये बात कहां मानने वाली थी, वो भी पहुंच जाती है दिल्ली रमन के साथ। तो अब आदित्य, रमन और इशिता तीनों ही पहुंच चुके हैं मनी के घर पर, जहां पर आदित्य मनी से माफी मांगता है और वो कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन मनी उनकी एक भी बात सुनने से इनकार कर देते हैं और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करके आदित्य को अरेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई है कि आदित्य ने आखिर आलिया के ऊपर हाथ उठाया कैसे। इशिता और रमन काफी कोशिश करते हैं कि किसी तरह मनी को समझाया जाए कि इस तरह से आदित्य को अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी मनी उनकी एक बात नहीं मानते। तो अब आने वाले एपिसोड में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या आदित्य जेल में रहेंगे या किसी तरह रमन और इशिता उन्हें बचा लेंगे या फिर मनी खुद ही उन्हें माफ कर देंगे। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।